वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव प्रति। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं द विजयनगर एम्पायर का पार्ट वन, और ये आपके टर्म वन का भी लास्ट चैप्टर है। ठीक है, पार्ट वन करेंगे, नेक्स्ट आपका पार्ट टू आएगा एंड देन यू विल गेट एंडेड अप विथ योर दिस वन। एंड यर आई हैव गुड न्यूज फॉर यू ऑल। जितना मैं इतने टाइम से कह रही थी कि भाई स्टडी शिव प्रति पे हम नोट्स अपडेट कर रहे हैं, तो हो चुके हैं। कंप्लीट नोट्स हैव बीन अपडेटेड, इस चैप्टर का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो यार जाओ नेविगेट करो, और कोई इशू आए ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो विजयनगर एम्पायर है 13 से 17 सेंचुरी के बीच का, तो मतलब हम इस दौरान ट्रैवल करने वाले हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है इफ यू विल अंडरस्टैंड इट। इंट्रोडक्शन, बेसिकली विजयनगर जो है वो सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक सिटी भी है और एक एम्पायर भी है। ये एम्पायर फाउंड किया गया था 14 सेंचुरी में बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336। सो द एम्पायर स्प्रेड लाइक इफ वी सी द फिजिकल लोकेशन, तो ये रिवर कृष्णा है नॉर्थ में, एक्सट्रीम साउथ में जो है पेनिनसुला मिलेगा। 1556 की बात है, इस सिटी को लूट लिया जाता है बाय तल्लीकुट वॉर, जिसको राक्षसी तंगड़ी वॉर भी बोलते हैं। और ग्रेजुअली 1780 सेंचुरी तक ये जो मतलब अत्यंत प्रॉस्परस और समृद्ध वाली सिटी है ना, ये खंडर बन जाती है। सो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट रूलर्स, आर्किटेक्चर फीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड अबाउट द लोकेशन ट्रेडिशन ऑफ दिस एम्पायर विच फाइंड आउट बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स हियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हम्पी की बात कर लेते हैं। हम्पी क्या है? बेसिकली हम्पी जो है एक दूसरा नाम है विजयनगर एम्पायर के लिए, और हम्पी इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस जिनका नाम था पंपा देवी। ओके, लोकल पीपल जो है वो विजयनगर को एज अ हम्पी ही याद रखते हैं। वी आर रीडिंग इट एज अ विजयनगर एम्पायर, बट लोकेलिटी में वहाँ पर लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। सो द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर जो है हमें आज मॉडर्न हम्पी के मिलते हैं कर्नाटक में। हिस्टोरियंस यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर कंटेम्प्रेरी को डिस्क्राइब करते हैं कर्नाटक साम्राज्य में, मतलब एक ही एम्पायर। विजयनगर एम्पायर इज द वन नेम, कर्नाटक साम्राज्य इज द सेकेंड नेम, हम्पी इज द थर्ड वन। डू नॉट गेट कन्फ्यूज, हम ऑल ओवर जितने भी टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं। हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट देम? वी गेट टू नो अबाउट देम यूजिंग देयर ओरल ट्रेडिशंस। हमको मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस, मिलते हैं मॉन्यूमेंट्स, मिलते हैं एंड अदर रिकॉर्ड्स। ऑल दीज एक्चुअली हेल्प अस इन ऑर्डर टू ट्राई एंड फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई वुड लाइक टू चेक सर्टेन थिंग्स। फाइन, अभी आगे देखते हैं। हाउ वी गेट टू नो, एक्चुअली 1800 की बात है, रोल ऑफ कोलर मैकेंजाई हमको हम्पी के डिस्कवरी में देखने की जरूरत है। ये जाते हैं और इन्होंने ना खंडर जो हम्पी के मिले 1800 में, ये हाईलाइट किए और ये लोगों को बताया कि सी वी गॉट समथिंग लाइक दिस। सो हिज फुल नेम वॉज कर्नल कोलिन मैकेंजाई हियर। ही वॉज बॉर्न इन 1754 और वो इंजीनियर बनते हैं, सर्वेयर भी थे और कार्टोग्राफर थे। बेसिकली कार्टोग्राफर वो होता है जो स्टडी करता है मैप वगैरह की। ठीक है, 1815 की बात है, इन्होंने पहला लाइक ही बिकम एज अ फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया एंड रिमेन्ड इन हिज पोस्ट टिल हिज डेथ, जो कि हुई थी 1821 में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का पास्ट क्या है, गवर्नेंस क्या रही है कॉलोनी के लिए, ही ईजिली सर्वेड मेनी हिस्टोरिकल साइट्स थे एंड ही थॉट दैट कि रीजनल कस्टम ट्रेडिशनल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद भी करेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, तो रिसर्च करते हैं। सो एम्प्लॉय एज अ बीइंग एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जो है फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट प्रिपेयर किया था। ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू सो एंड ही कंडक्टेड हिज स्टडीज फर्स्ट बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ द प्रीस्टेस जो विरूपाक्ष टेम्पल के थे एंड श्रीन ऑफ पंपा देवी। सब्सिक्वेंटली 1856 तक आते आते वी सी दैट कि फोटोग्राफर्स बिगिन टू रिकॉर्ड द मॉन्यूमेंट्स, इससे स्कॉलर्स को और ज्यादा स्टडी करने में मदद हुई। एज अर्ली एज 1836 एपिग्राफिस्ट्स ने कई सारे इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट करना शुरू किया अदर टेम्पल्स एट हड़प्पी। इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई, कोरोबेट की गई एंड वी गेट टू नो बहुत सारा लिटरेरी वर्क जो है वो हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलता है। बिकॉज यू सी ना कि ये ज्यादा पुराना नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट 13th to 17th century। इससे और जो सोर्सेज हमको मिले वो बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। हु वर द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर और ये इतना शॉर्ट स्पेन में क्यों रहा? शॉर्ट स्पेन का मतलब है पक्का जो है इसको कोई स्टेबल नहीं मिला है, मतलब कोई ऐसा जिसको बांध कर रखे। एब्सोल्युटली राइट, एक्चुअली इट हैपेंड हियर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंसेस, दो भाइयों ने हरिहर एंड बुक्का, इन लोगों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी 1336 में। गुरु विद्या
नारायण इंस्पायर्ड देम टू एस्टैब्लिश दिस एम्पायर, एंड एम्पायर में अलग अलग लोग थे जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोला करते थे, अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो किया करते थे. द फर्स्ट डायनेस्टी, वेरी फर्स्ट डायनेस्टी वॉज संगम डायनेस्टी, जो कि हरिहर एंड बुक्का इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, एंड दे रूल्ड एम्पायर टिल 1488, नॉट टू लॉन्ग, 1336 से 1485. स्टिल दे वर रिप्लेस्ड बाय सलुआ, यानी कि संगम डायनेस्टी पहली थी, सलुआ दूसरी आई. ये मिलिट्री कमांडर्स थे जो कि पावर में रहते हैं 1503 तक, वेरी शॉर्ट पीरियड, यू सी 1485 टू 1503. ओके, सलुआ डायनेस्टी जो है रिप्लेस की जाती है तुलवा डायनेस्टी के द्वारा, एंड कृष्णदेव राय हु वाज वेरी पावरफुल रूलर ऑफ हिज एम्पायर बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी हियर. नाउ आफ्टर 1565 BC अरावीदु डायनेस्टी रिप्लेस बाय द तुलवा डायनेस्टी. सो पहली आई संगम डायनेस्टी, दूसरी आती है सलुआ, तीसरी आती है तुलवा, एंड लास्ट वॉज अरावीदु. ठीक है, दिस वन इज द थर्ड वन. जस्ट रिमेम्बर द डायनेस्टिक ऑर्डर, केवल चार थी, संगम, सलुआ, तुलुवा एंड अरावीदु. फाइन, गोइंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंटेम्प्ररी रूलर्स उस वक्त, जो कि कंटेम्प्ररी रूलर्स ही इसके लिए सबसे बड़ी आफत थे. विजयनगर एम्पायर कुछ ज्यादा ही प्रॉस्परस था और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं मिल पाया, और इसी की वजह से जो है इसके जो आसपास के रूलर्स थे, कंटेम्प्ररी रूलर्स थे, दे वर लाइक कि अरे ये क्या चल रहा है, एंड दे जस्ट लूटेड दैट सिटी. फ्रंटियर, हालांकि कहानी कुछ और है, वो भी हम देखेंगे. नॉर्थ फ्रंटियर में हम देखते हैं विजयनगर किंग्स थे जिनको नरपति बोला जाता था, दे कम्पीटेड विद कंटेम्प्ररी रूलर्स सच एज सुल्तान्स ऑफ दक्कन. ठीक है, सुल्तान्स ऑफ दक्कन, दक्कन एरिया था, इनको जो है अश्वपति भी बोला जाता था इन रूलर्स को. गजापति रूलर्स थे उड़ीसा में, उड़ीसा के रूलर्स को गजापति बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा है. सुल्तान चूंकि अरब से आए थे, अरब से घोड़े आते थे, इसलिए इनको अश्वपति बोला करते थे. सो दीज यूज्ड टू बी कंट्रोल फॉर लाइक फर्टाइल रिवर वैलीज एंड द रिसोर्सेज दैट आर ब्रॉट बाय ओवरसीज ट्रेड हियर. कई सारे पार्ट्स हमें एम्पायर के ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे बहुत पावरफुल किंगडम्स डेवलप हो रहे थे, जैसे कि साउथ की बात करें तो यहाँ पे थे चोलाज ऑफ तमिलनाडु, होयसलाज ऑफ कर्नाटक. द रूलर्स ऑफ विजयनगर इंटरेक्टेड विद देयर कंटेम्प्ररी रूलर्स एंड बोरोड द कॉन्सेप्ट इन बिल्डिंग टेक्निक्स एंड डेवलप फर्दर. जैसे कि विजयनगर एम्पायर का अगर आर्किटेक्चर देखेंगे, कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड है दक्कन के सुल्तान से, तो अरब से ये लोग जो नई नई टेक्निक्स लेके आए बिल्डिंग्स में, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं. दे बिल्ड मेनी टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ थंजावुर एंड चेन्नकेश्वर टेम्पल ऑफ विलोर अंडर चोला रूलर्स. एज यू नो दैट कि साउथ में अगर मंदिरों को इतना इलेबोरेट करने का किसी को क्रेडिट जाता है तो वो चोला रूलर्स है, क्योंकि इन्होंने मोस्ट सिग्निफिकेंट मंदिर है ना उनका कंस्ट्रक्शन करवाया था. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किंग एंड ट्रेडर्स. देखो तो किंग्स जो विजयनगर के हैं उनको रायाज बोलते हैं. ठीक है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज इफ वी आर गोइंग टू मैंशन दिस वर्ड अगेन एंड अगेन कि रायाज क्या है. कावलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, ये जो पैदल सैनिक है उनकी बात कर रहे हैं हम. दीज वर अ पार्ट ऑफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे इम्पोर्ट द हॉर्सेस फ्रॉम, ओके कावलरी नॉट अ पैदल सैनिक हियर, दे इम्पोर्ट द हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया, क्योंकि यहाँ पर जो घोड़ों की नस्ल थी ना वो सबसे बढ़िया हुआ करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस ट्रेड वॉज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय द अरब मर्चेंट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन. लोकल मर्चेंट्स हु वर इन्वॉल्व इन द हॉर्स ट्रेड इनको बोला जाता था कुदिराई चेतीज, और हॉर्स मर्चेंट्स यार मतलब अरब से जो घोड़े आए ये कुदिराई चेतीज इनका ट्रेड किया करते थे, फिर अंदर के लोगों को बेचा करते थे. फ्रॉम 1498 BC अदर एक्टर्स जैसे कि पोर्चुगीज भी अराइव हो जाते हैं एंड दे अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशंस टू द वेस्ट कोस्ट देयर. नाउ वी नीड टू सी अबाउट द मार्केट्स इन द विजयनगर एम्पायर. जो विजयनगर के मार्केट्स थे ना वो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जो यहाँ ना मिलती है. स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स वर देयर. ट्रेड वाज अ स्टेटस सिंबल फॉर द सिटीज इन एम्पायर एंड बोस्टेड ऑफ अ वेल्दी पॉपुलेशन. मतलब दे वर कंप्लीट इनफ, सब था इनके पास, सारे मार्केट्स में ऑलमोस्ट हर चीजें मिल जाया करती थी. पॉपुलेशन जो है वो बड़ी वेल्दी थी, लोग जो है वो एग्जॉटिक गुड्स का कंजप्शन किया करते थे, जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये सारी चीजें. रेवेन्यू दैट केम फ्रॉम द ट्रेड वाज यूज्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट हियर. नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी कृष्णदेव राय, बिकॉज ही इज ओनली सिग्निफिकेंट रूलर among all these four dynasty that we need to study here. तो मतलब सबसे ज्यादा important यही है, फिर एक वो है जिन्होंने सब बर्बाद किया, तो उनके बारे में पढ़ेंगे.
विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय का रूल कैसा रहा, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? पहली बात, कृष्णदेव राय रूल वॉज कैरेक्टराइज बाय फुल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर. He became the ruler in 59 and belongs to the Tulwa dynasty here. He brought the land between the Tungabhadra and Krishna rivers called the Raichur Doab under his control in year 1512. He defeated Pratap Rudra of Gajapati dynasty, rulers of Odisha in 1540 and the Sultan of Bijapur in 1520 here. इनका रूल जो है वो क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया टेम्पल्स बनवाए थे, अट्रैक्टिव गोपुराम्स बनवाए, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट टू मेनी साउथ इंडियन टेम्पल्स. गोपुराम इज लाइक जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, आई विल शो यू द पिक्चर हियर. फॉर एग्जांपल, गोपुराम जो बृहदेश्वरा टेम्पल का है थंजावुर में, वो इन्होंने ही बनवाया था. ही ऑल्सो फाउंड अ सबर्न टाउन नियर विजयनगर कॉल्ड नागलपुरम, नेम्ड आफ्टर हिज मदर, एंड ही ऑल्सो रोट अ बुक जिसका नाम था अमुक्ता मल्यदा, जो कि तेलुगु में इन्होंने लिखी थी. सी, वन मार्क क्वेश्चन के लिए आपको कंटेंट यहाँ पर पूरा मिल रहा है. आप खुद ही देखिए, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इससे बन सकता है. ये सारे वन मार्क के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो प्लीज एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिएगा. यू कैन गेट द पीडीएफ ऑन टू माई वेबसाइट. कंडीशन ऑफ विजयनगर एम्पायर आफ्टर कृष्णदेव राय. देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय ना 1529 में, उनके जो सक्सेसर है उन्होंने फेस प्रॉब्लम की and created by rebellious nayakas and military chiefs also. So 1540 tak dekhte hain, control of empire came under the ruling lineage jo Aravidu, which continued till the end of the 17th century, jab tak ki barbaad nahi ho gaya. Abhi aa raha hai hamara most important point jo hai battle of Rakshasi Tangadi, aur jisko battle of Talikote bhi bolte hain, jisse pura ka pura Vijayanagar empire jo hai wo khandar ban jata hai. Actually kya hua, ye hua zyada smartness ki wajah se. मिलिट्री एम्बिशंस ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड जो दक्कन सुल्तान थे वो थोड़े चेंज हो रहे थे. इवेंचुअली देखते हैं क्या हुआ कि इधर के जो विजयनगर एम्पायर के जो रूल इनका जो सीएम था जिसका नाम था राम राया, तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ये सुल्तान आपस में लड़ते रहते हैं आसपास के लोग, तो इनके आसपास को आपस में लड़वा देते हैं और खुद अलग हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं हुआ, नेबर्स ने आपस में हाथ मिला लिया और विजयनगर एम्पायर पे ही धावा बोल दिया. इसके चक्कर में जो है विजयनगर एम्पायर पूरा का पूरा लूट लिया जाता है. 1565 की बात है, बैटल ऑफ टेलीकोट होता है. आर्मी वॉज लेड बाय राम राया द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर. आर्मी ऑफ विजयनगर डिफीटेड बाय द कम्बाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा. The victorious army sacked the city of Vijayanagar. The city was abandoned within a few years and after the defeat of the Aravidu dynasty, shifted its focus to the eastern rule from the Penukona, later from the Chandragiri near the Tirupati. So, आप देखिए, पहले इनकी जो capital थी वो Chandragiri थी, now they shifted to Penukona here. Okay, reasons of decline of Vijayanagar empire, क्या क्या reasons है? देखिए, reasons बहुत सारे हैं. जो आर्मी थी सुल्तान की, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर एंड विजयनगर इन द बैटल ऑफ तालिकोट इन 1565. सेकेंडली, हाउएवर द रिलेशनशिप बिटवीन द सुल्तान एंड रायाज वर नॉट ऑलवेज इनविटेबली हॉस्टाइल इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंस देयर. कृष्णदेव राय फॉर एग्जाम्पल सपोर्टेड सम क्लेमेंट्स टू पावर इन द सल्तनत एंड टुक प्राइड इन द टाइटल एस्टैब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम. मतलब दे जस्ट ट्राई टू गिव देमसेल्फ अ टाइटल. ऐसे ही जो बीजापुर के सुल्तान हैं, दे ट्राई टू इंटरवेन टू रिजॉल्व द सक्सेशन डिस्प्यूट इन विजयनगर एम्पायर. मतलब दूसरों के घर के मामले में टांग अड़ाई गई, तो इसकी वजह से कृष्णदेव राय की मौत हो गई. इनफैक्ट विजयनगर किंग्स वर कीन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ सुल्तान एंड वाइस वर्सा, बट वो ऐसा नहीं चाह रहे थे. एंड इट वॉज द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ राम राय who tried to play off one sultan against another that led the sultans to combine together and decisively defeat him. And this is how ये सब को जो है वो end हो जाता है. Students, you might be thinking कि यार मैं ना यहाँ पे कई बार सिर्फ पढ़ रही हूँ. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, there are more than I think that 30 to 40 videos which I provided for all CBSE. मैंने बोर्ड पे कॉन्टेंट बनाया है, मैंने आपका जो है प्रॉपर शॉर्ट समरी बनाई है, एंड आई एम मेकिंग दिस. अगर आपको लगता है यू नीड मोर लिटिल बिट मोर डीपर एक्सप्लेनेशन, प्लीज गो थ्रू दिस वन. सेकेंडली, यहाँ पे बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है. यू डू नॉट फील दैट आपको एक बार चैप्टर रीडिंग की जरूरत है. यकीन मानिए, अगर कोई आपको कहता है कि चैप्टर रीडिंग के अलावा सिर्फ वीडियो देखो, दैट डजंट वर्क. मतलब एज अ स्टूडेंट भी मैं बता रही हूँ आपको, अच्छे से समझने के लिए और रादर देन स्कोरिंग फॉर ओनली एग्जाम,
कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आई सीरियसली बिलीव दैट कि बच्चे को एक बार सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है। तो अगर आप चैप्टर देख के वीडियो देख रहे हो देन इट इज गुड, अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो प्लीज यार एक बार चैप्टर जरूर पढ़ लेना। अदरवाइज वो नहीं पढ़ोगे तो मैं आपसे कहूंगी कि इसको देखने के बाद गो थ्रू माई बोर्ड वाला वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन, यू विल गेट इट। तो 12th डिटेल एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। नायकाज इन द विजयनगर एम्पायर, ठीक है, ये नायकाज वो ब्यूटी प्रोडक्ट नायका नहीं है। विजयनगर एम्पायर के जो मिलिट्री चीफ थे दे वर नोन एज नायकाज एंड हु एक्सरसाइज पावर एंड कंट्रोल फोर्स एंड हैड आर्म्ड सपोर्टर्स एज वेल। ये जो चीफ है ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, कई बार जो है इनको पीजेंट्स भी कंपनी दिया करते थे, लुकिंग फॉर अ फर्टाइल लैंड इन ऑर्डर टू सेटल, क्योंकि राजा जो है ज्यादातर प्रेफर नहीं किया करते थे इनको अपने साथ रखना। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं ज्यादा पावर ग्रैब कर ले एंड लोगों को इन्फ्लुएंस करके राजा को ही रिप्लेस कर दे। सो इन मिलिट्री नायकास को यानी कि इन ऑफिसर्स को चीफ्स को प्रेफर किया जाता था कि बाउंड्री पर भेज दिया जाए, ठीक है, जैसे कि वो नहीं होता है बहुत ईमानदार ऑफिसर हो IAS IPS ऑफिसर, उसको ऐसे जंगल वाले एरिया में डालेंगे दिखा अपनी ईमानदारी वैसा। सो नायकास स्पोक तेलुगु एंड कन्नड़, मेनी नायकास वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, कई बार रेबल भी हुआ जाते थे, कई बार जो है मिलिट्री एक्शंस भी फेस करने को मिला किंग्स को। नाउ वी नीड टू सी द अमर नायका सिस्टम हियर। अमर नायकास कौन थे? देखो अमर नायकास ना सिस्टम, दिस वाज अ सिस्टम ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन इन विजयनगर एम्पायर। ये सिस्टम कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के एकता सिस्टम से आया था। इसमें क्या था, अमर नायकास मिलिट्री कमांडर्स थे और इनको टेरिटरी दी जाती थी रायास के द्वारा यानी कि रूलर्स के द्वारा, जाओ तुम इसको गवर्न करो। अब इनकी ड्यूटी क्या थी कि टैक्स कलेक्ट करना है, सारे ड्यूज कलेक्ट करने हैं पीजन से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से उस एरिया के, एंड दे कैप्ट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर देयर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग अ स्टिपुलेटेड कॉन्टिंजेंट ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। सम ऑफ द रेवेन्यू जो है वो उन्होंने कई बार टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए लगाया, इरीगेशन वर्क्स के लिए भी लगाया। सो दे सेंट ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट जब भी उनको अपनी लॉयलिटी जो है दिखानी होती थी यूजिंग गिफ्ट्स। सो किंग असर्टेड देयर कंट्रोल ओवर देम बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हियर। नाउ इन कोर्स ऑफ अ टाइम दे एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम एंड दिस वाज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ वीकनिंग एंड डिक्लाइनिंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर हियर। ओके बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू चेक सर्टेन थिंग्स। Now we need to do our very next point which is going to be physical layout of the Vijayanagar Empire जो हमारे लिए extremely important है। इसका water resource बहुत बढ़िया है। Vijayanagar Empire की एक तो location है ना natural basin में ही थी, तो river का मतलब पानी का कोई issue नहीं था। नदी थी यहाँ पर जिसका नाम था तुंगाभद्रा which flows in north easterly direction। north easterly direction मतलब यहाँ से ऐसी यह है नॉर्थ, यह है ईस्ट, ऐसी डायरेक्शन में, ठीक है। लार्ज ग्रेनाइट हिल्स हमको मिलते हैं और ऐसा लगता है कि वो पूरी सिटी की गिर्डल बने हुए। गिर्डल मतलब होता है जो कमर में पहनी जाती है ना, करधनी, ठीक है, इट्स अ वुमन ज्वेलरी दैट। अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लोट फ्रॉम दीज रॉकी आउटक्रॉप्स टू द रिवर हियर। अब विजयनगर जो है वॉज वन ऑफ द मोस्ट एरिड ज़ोन्स ऑफ पेनिनसुला, तो इलैबोरेट अरेंजमेंट इसके लिए किए गए ताकि पर्याप्त जो है रेन वाटर को स्टोर किया जा सके और ये पानी इस्तेमाल किया जा सके ड्यूरिंग दैट जब बारिश नहीं होती है। सो एम्बैकमेंट वर बिल्ट अलोंग दीज स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वॉयर ऑफ डिफरेंट साइजेस। कमलापुरम टैंक जो है बनाया जाता है, ये मोस्ट ऑफ प्रोमिनेंट टैंक है। दिस वॉज बिल्ट इन अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी। वाटर फ्रॉम दिस टैंक वॉज यूज्ड नॉट ओनली टू इरीगेट द फील्ड्स बट ऑल्सो टू चैनल वाटर इन टू द रॉयल सेंटर हियर। हीरिया कैनल की बात करते हैं, हीरिया कैनल दूसरा था, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट वाटर वर्क। दिस कैनल ड्रू वाटर फ्रॉम अ डैम बिल्ट अक्रॉस द तुंगाभद्रा एंड इरीगेटेड द कल्टिवेटेड फील्ड्स दैट सेपरेटेड द सेक्रेट सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर। सो दिस कैनल वॉज बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी। नाउ गोइंग अहेड वी नीड टू सी द फीचर्स ऑफ द फोर्टिफिकेशन। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द फोर्टिफिकेशन। अकाउंट्स हमको मिलते हैं, जितने भी ट्रैवलर्स आए वो जब ट्रैवल किए उन्होंने देखा अरे भाई ये तो मतलब अलग ही तरह का फोर्टिफिकेशन था, ये वर्ल्ड का यूनिक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था। अब्दुल रजाक समरकंदी नाम का एक ट्रैवलर है, वो जाता है, उसने डिटेल्स प्रोवाइड की अबाउट द वॉल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो। तो अब्दुल रजाक जो है एम्बेसडर था जिसको पर्जिया के रूलर ने भेजा था कालीकट 15th सेंचुरी में। सो ही वॉज ग्रेटली प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन एंड बताया कि ना फोर्टिफिकेशन में
जैसे कि ये किला है, ठीक है, इस किला को 7 लाइन से ऐसे कवर करके रखा था। सो द आउटर मोस्ट वॉल लिंक द हिल सराउंडिंग द सिटी, ये जो बाहर वाली है ना ये पहाड़ों से कनेक्ट होती है और सिटी जो है इस तरीके से बनती है। द मेसनरी कंस्ट्रक्शन वॉज स्लाइटली टैपर्ड देयर, कोई भी मोर्टार यूज नहीं किया गया, सीमेंटिंग एजेंट यूज नहीं किया गया, सिर्फ पत्थर से ही बनाता एंड स्टिल इट वॉज सो स्टेबल देयर। द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड विच हेल्ड देम इन प्लेस देयर। सो इनर पोर्शन ऑफ वॉल्स वॉज ऑफ अर्थ पैक्ड विद रबल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बास्टन्स प्रोजेक्टेड अंडर द वॉल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट विजयनगर फोर्टिफिकेशन का अगर कुछ है तो वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्ट। इन लोगों ने खेतों को ऐसे लाइन से ही, जैसे कि ये है ना, ये वाला जो बीच में स्पेस है ना, यहाँ पे खेत, ताकि बाहर वाला कोई अटैक ना कर पाए। ओके, सो दिस कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सीजेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब्दुल रजा कहता है कि जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल है, दीज आर लाइक, इनके अंदर जो है कल्टिवेटेड फील्ड्स आते हैं, गार्डन आते हैं एंड हाउसेस आते हैं। हेयर यू कैन सी द चार्ट विच आई प्रोवाइडेड, द ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर, जैसे कि निकोलस दी कोंती, ये इटली से आए थे 15th सेंचुरी के दौरान, अब्दुल रजाक एंड अफनाइस निकितिन। तो ये अब्दुल रजाक तो पर्जिया से थे 15th सेंचुरी में, रशिया से आए थे अफनाइस निकितिन, ये ट्रेडर थे, ये एम्बेसडर था और ये मंजार मर्चेंट था। फिर आते हैं दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस एंड फर्नाओ नूनेस, ये तीनों ही जो है पुर्तगाल से थे, 16th सेंचुरी में आए थे। आगे देखते हैं, why the agriculture lands were incorporated within the fortified area during, okay, I prefer to go from here then skip. So here we see, during the medieval period, कई सारे objectives रहे हैं sieges के, that to starve defender in the submission, ताकि ना सामने वाला जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है वो submit कर रहे अपने आप को, और कहे भी मैं हार मानता हूँ and all of this। ये सीजेस कंटिन्यू रहती थी महीनों तक, समटाइम्स सालों तक चलती थी। सो रूलर्स जो है अपने आप को रेडी किया करते थे विद अ प्रॉपर अरेंजमेंट्स, बड़ी बड़ी जो है ग्रेनरीज बना लिया करते थे, फोर्टिफाइड एरियाज में रहा करते थे, ताकि अगर दुश्मन अटैक कर दे तो खाने पीने की कमी ना पड़े। रूलर्स ऑफ विजयनगर अडॉप्टेड अ मोर एक्सपेंसिव एंड एलैबोरेट मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर बेल्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग एग्रीकल्चर ट्रैक इन द फोर्ट। तो फोर्ट में रहेंगे क्योंकि फोर्ट इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर ट्रैक्ट भी सेफ रहेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन जो है वो जाती है दैट प्रोटेक्ट एक्चुअली इनर कोर जो है अर्बन कॉम्प्लेक्स। थर्ड लाइन सराउंड करती है रॉयल सेंटर को, विच सेट मेजर बिल्डिंग्स वाज सराउंडेड बाय इट्स ओन हाई वॉल्स देयर। फोर्ट वाज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स एंड लीडिंग टू द मेजर रोड्स देयर। गेटवेज वर विद डिफाइंड एग्रीकल्चर फीचर्स यूज किए गए। आर्क यूज की जाती है गेट वे पे लीडिंग इन टू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट, एज दिस डोम ओवर द गेट इज रिगार्डेड एज टिपिकल फीचर, जैसे कि ये है ना गेट, इसके ऊपर डोम, ऐसा ये टिपिकल फीचर माना जाता है आर्किटेक्चर का, इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्किश सुल्तान टू आस्ना। वी नीड टू सी द वेरी नेक्स्ट पॉइंट विच इज गोइंग टू बी अर्बन एरिया एंड द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखो ये है डोम, ये देख रहे हो, ये पहली बात ये, और ये ना आर्क ऐसे यूज किए इन्होंने, और ये है दिस वन। ओके, हियर वी सी अर्बन एरिया, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने स्टडी किया एंड दे फाइंड आउट दैट कि अलोंग द रोड देयर वर वेरी लेस हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फाउंडेड। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कुछ चाइनीज पोर्सिलेन के हमको एविडेंसेस मिलते हैं कुछ अर्बन कोर में, एंड दे सजेस्ट दैट कि यहाँ पे जो लोग रहा करते थे वो रिच फैदर थे, बिकॉज चाइनीज पोर्सिलेन इज इम्पॉसिबल फॉर हैविंग टू common people. Now tombs, mosques located there have distinctive functions. This architecture was like of a Hampi mandapa जो हमको मिलता है। 16th century में एक traveler आया जिसका नाम था दुआर्ते बारबोसा। वो describe करता है कि ordinary people of विजयनगर empire जो है वो आम घरों में ही रहे होंगे। They used to live in that thatched house जो कि हमें Bengal side मिलता है। Field surveys indicate that well, रेन वाटर टैंक्स, टेम्पल टैंक्स ऑफ वेरियस स्मॉल श्रिंस स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्बन कोर एंड माइट हैव सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द ऑर्डिनरी ड्वेलर्स। गोइंग अहेड विद द रॉयल सेंटर, सिंस नेम इन इटसेल्फ सजेस्टेड द पर्पस दैट इट माइट हैव बीन यूज्ड बाय द रॉयल पीपल। रॉयल सेंटर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न ऑफ द सेटलमेंट, और इसमें तकरीबन हमको 60 मंदिर मिलते हैं।
द पेट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द रूलर्स बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिविनिटीज एंड हाउसेस इन द श्राइन्स देयर. अबाउट 30 बिल्डिंग्स हमको मिली, दीज वर आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस एंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्पल्स एंड सिक्योर बिल्डिंग्स दैट वॉज की दे वर कंस्ट्रक्टेड इंटायरली बाय द मेसोनरी वे. इनमें कुछ भी ऐसा मटीरियल नहीं यूज किया गया दैट यूज बाय टूडे एंड दिस वॉज यूज इन द सेक्युलर बिल्डिंग्स वर पैरिशेबल देयर. ओके, द किंग्स पैलेस एंड द ऑडियंस हॉल. देखो किंग्स पैलेस रॉयल सेंटर में हमको कुछ बिल्डिंग्स मिली, वो ऐसे पता चलता है कि दीज वर ओनली फॉर द रॉयल पीपल. सो किंग पैलेस जो है वो लार्जेस्ट बिल्डिंग है एक्चुअली रॉयल सेंटर की, बट इट वॉज यूज एज अ रॉयल रेजिडेंस. इट हैज टू प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म कैसे, एक तो मिलता है हमको ऑडियंस हॉल. ऑडियंस हॉल जो एक हाई प्लेटफॉर्म है ऐसा, ठीक है, इसमें वुडन पिलर्स हमको मिलते हैं बड़े आस पास में है एंड रेगुलर इंटरवल्स में ये सारे. इट हैड अ स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर व्हिच रेस्टेड ऑन दीज पिलर्स. नाउ द पिलर्स बीइंग क्लोजली स्पेस्ड एंड दस इट इज नॉट क्लियर दैट कि हॉल किसकी वजह से और मतलब किस काम के लिए यूज किया गया होगा. गाइस अब है आपका महानवमी दिब्बा. सो एक्चुअली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर वन इन टू आर वेरी नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ये वाला मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रैच कर दिया है. अंटिल जस्ट वुड से दैट कि कोई डाउट है तो मुझे रीच आउट कर लेना कृति साहू पे एंड दिस इज माई टेलीग्राम, दिस इज माई फेसबुक. सेकेंडली वॉन्टेड टू टेल यू यू कैन ऑल्सो विजिट टू माई अदर चैनल स्टडी शिप विद कृति टू हियर एंड दिस इज केटी व्लॉग माई व्लॉग चैनल. बाकी स्टडी शिप विद कृति वेबसाइट पर मैंने नोट्स डाल दिए तो वहाँ से यार नोट्स ले लेना सबसे बढ़िया है और आराम से स्टडी करो. हैप्पी स्टडी. थैंक यू सो मच वॉचिंग इट. लेट्स मीट इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.